इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो है गूगल वॉइस टाइपिंग को, अगर कीबोर्ड हमारा शो नहीं करता है, गूगल टाइपिंग ही शो करता है, तो उस सिचुएशन में हम उसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो है कीबोर्ड नहीं आ पाता, सिर्फ गूगल यहाँ पर वॉइस टाइपिंग आता है। तो ये हम कभी कभी इनेबल कर देते हैं, उसकी वजह से हमें शो नहीं करता है। तो हमें जो है यहाँ पर डिसेबल करना पड़ेगा अपना वॉइस टाइपिंग को। तो उसके लिए हमें जो है सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा कोई ना कोई कीबोर्ड जो है इनेबल रहना चाहिए या फिर डाउनलोड रहना चाहिए आपके प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एडिक्सटल सेटिंग्स में जाना है और लैंग्वेजेस एंड इनपुट पर जाना है, और यहाँ पर आपका करंट कीबोर्ड दिखाई दे जाएगा। तो करंट कीबोर्ड लाइक जो लगा हुआ होता है वही होता है, यहाँ से चेंज नहीं कर सकते आप, मैनेज कीबोर्ड में जाना होगा आपको इसके लिए। अब यहाँ पर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपली हमारा गूगल वॉइस टाइपिंग ही इनेबल रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कीबोर्ड को ऑन करना है और गूगल वॉइस टाइपिंग को बंद कर देना है। अब जो भी कीबोर्ड होगा हमारा वो रन करेगा, अगर हम जिससे टाइपिंग वगैरह भी करेंगे तो हमारे जो है उस कीबोर्ड से होगी। अब लाइक ये वाला ऑप्शन ऑन होता तो फिर हमारा जो है गूगल वॉइस टाइपिंग ही रहता। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।